Good morning to all of you. Good morning, sir. Ritika Prasad. Videos on karo sab log. Okay. So yesterday, I was discussing what is the maximum speed kaise determine karte hain wo log. क्या ओके आवर क्वेश्चन वाज हाउ टू डिटरमाइन मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच अ व्हीकल कैन बी मूव्ड अलोंग अ कर्व्ड लेवल रोड. कर्व्ड लेवल लेवल का मतलब आप समझोगे अगले क्वेश्चन में. यहाँ पे एक व्हीकल ऐसे जा रही है तो यहाँ पे ऑन द कर्व कल हमने इतना देख लिया था कि when a vehicle moves along a curved road, it performs circular motion. It performs circular motion, and the necessary centripetal force for this circular motion is provided by force of what? बताओ क्या बताया था मैंने? Friction. Force of friction between the tires and the road surface. And remember, maximum force of friction is given by mu into n. Where n is normal reaction. एक बात ये formula ध्यान में रखना. And tell me, I would like to ask Murtuja, what is the formula for centripetal force? What is the formula for centripetal force? नहीं मालूम. Ritika Prasad. mv square upon r. That's right. When r is the radius of the road, when you say ye jo part hai uski radius r. Ha small r kya small r hai capital r nahi hai. Ha wo capital r small r se kuch r is radius of the road. You can denote by small r or capital r, anything. So denotion hai, kaise bhi kar do. Small m bhi mass hota hai, capital m bhi mass hota hai. Like that, R is radius of the road. Irrespective, मैंने क्योंकि अपने notes में capital R लिखा है इसलिए इस derivation में इसलिए मैंने capital R बोला. Now, suppose कल मैं ऐसा बता रहा था कि diagram में इधर से गाड़ी जा रही है इधर से पीछे. Suppose ये पेड़ P है और ये पेड़ Q है और गाड़ी को हम लोग पीछे से देख रहे हैं. So what is the how will the vehicle look like? Let us understand. Vehicle will look like this. ये road surface. ये रोड गाड़ी को हम लोग पीछे से देख रहे हैं और ध्यान रखना गाड़ी को पीछे से देखने पे टायर वुड नॉट लुक सर्कुलर बट टायर वुड लुक ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जैसा. इधर नेम प्लेट वगैरह रहती है MH01 एंड ऑल दैट MH ऐसा रहता है वो खाली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. तो मेक यू अंडरस्टैंडिंग. तो जनरली स्टूडेंट बोलते हैं सर टायर सर्कुलर होते हैं. सर को मालूम नहीं टायर सर्कुलर के बदले सर क्या बना रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस. ऑल राइट. तो व्हीकल में ध्यान रखना टायर्स आर सीन लाइक दिस एंड नॉट द सर्कल. ओके व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल. सबसे पहला फोर्स आएगा इट्स ओन वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउन. उसका खुद का वेट acting vertically downward. If m is the mass of the vehicle, weight will become mg. अच्छा ये कोई बताएगा इस weight के कारण ये जमीन में गिर क्यों घुस क्यों नहीं जाती गाड़ी? Anyone? Due to third law. क्या? Due to Newton's law, it does not. Opposite action of the road on the car. That is right. Opposite action, which is called reaction, and that is called normal reaction. दिखाई जा रखना इतनी हाइट जितनी होगी ना उतने हाइट का नॉर्मल रिएक्शन बनाना. बिकॉज दिस एंड दिस आर इक्वल इफ पॉइंट इज सपोज सो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ऐसा बनेगा. एंड गाड़ी फिसल रही है वहां पे उसको बचाता है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ व्हिच प्रिवेंट द गाड़ी फ्रॉम स्किडिंग. नहीं तो ज़ूप ऐसे बाहर निकल जाती गाड़ी स्किडिंग करके बाहर निकल जाती उसको बचाता है. Force of friction, friction. These are the three main forces acting. Pehla its own weight. I am going to ask her. Dhyan rakhna. Conan Qureshi, are you there? Conan.
कोनिन कुरेशी, अरे उष्णा, 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 यस सर, जरा एक फोन मारो कोनिन को, सो रही लगती है अभी भी. The three main forces are its own weight, domination, and the force of friction. All right. Now, हाँ ये देखो पेड़ पी पेड़ क्यों मैंने क्यों बताया था ये सब ये पेड़ पी अब ये पेड़ क्यों ये बनाने की जरूरत है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर लुकिंग एट द व्हीकल यहाँ पे पेड़ को टॉप से दिखेंगे तो खाली ऐसे ऐसे दिखाई देगा और स्टेम वगैरह दिखाई देगा जब हम लोग उसको ऐसे सामने से आई होप इट इज क्लियर पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है आई वॉन्टेड टू मेक द थिंग्स क्लियर क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि सर ने ना डायग्राम गलत बनाया है टायर सर्क्युलर होते टायर सर ने रेक्टेंगल बनाया तो टेल मी इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस कैन यू से n इक्वल टू एम जी इक्वेशन नंबर वन इसीलिए मैं बोला था इस दोनों के हाइट इक्वल बनाने n equal to mg and along x axis can I say f equal to what anyone in the class can tell me f equal to kya hota hai anybody anyone of you friction provides what centripetal force हाँ बिल्कुल एफ इक्वल टू क्या लिखू फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रोड इक्वेशन नंबर टू नो टेल मी वन थिंग एज द स्पीड वी विल इंक्रीज कैन आई सी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा And remember one thing, when V becomes Vmax, जब when V equal to Vmax, एक particular speed, maximum speed, जबकि F हो जाता है Fmax, Fmax के formula क्या बताया था अभी हमने? क्या बताया था Fmax के formula? Anyone? Mu N. That's right. Mu N, mu into N. Equation number 3. अगर अच्छा ये कौन बताएगा अगर ये स्पीड से ज्यादा स्पीड पे गई तो क्या होगा व्हीकल को वी मैक्स या फिर एफ मैक्स विल नॉट बी सफिशिएंट वी को वी मैक्स से भी ज्यादा तेज स्पीड से ले गया तो क्या होगा व्हीकल को एनीबडी प्रैक्टिकली उधर क्या होगा इट विल गो टुवर्ड्स द टेंजेंट टुवर्ड्स द राइट नॉट टुवर्ड्स द टेंजेंट टुवर्ड्स राइट स्किड हो जाएगी ऐसा इन नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में ना इट विल स्किड टू द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सो इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्किडिंग फ्रिक्शन Now, from 1, 2, and 3. From 1, 2, and 3. Can I say? F के बदले अगर F max लिखूं, तो V के बदले मुझे V max लिखना पड़ेगा. But F max का formula क्या है? Mu n. बट एन का फॉर्मूला क्या है एम जी एम एम कैंसल देयरफॉर वी मैक्स स्क्वायर इज म्यू जी आर रूट ऑफ This is the formula for maximum, which you have to learn by heart. On the level road, you have to know level. Level ka matlab kya hai, I'll explain you later on. Ek bar phir se, ye relation aapke saamne. Dekho, humko pucha gaya tha, ke what is the formula for maximum speed with which a vehicle can be driven along a curved leveled road. To consider a vehicle of mass m. Moving along a curved road of radius capital R with speed V.
let mu be the coefficient of friction between the tire sensor old surface. So at any instant, the forces acting on the vehicle are, number one, its own weight mg acting vertically downwards. Number two, normal direction, balancing the weight. And number three, force of friction F, which provides the necessary centripetal force. Therefore, in equilibrium along y-axis, n equal to mg. Equation one. Along x-axis, friction equal to mv squared by r, because this is providing centripetal force. But that's something big thing. When as v increases, the requirement F also increases. When v becomes v max, F will become F max equal to mu n. Equation number three. From 1, 2, and 3. देखो इधर अगर F के बदले F max लिखूंगा, तो V के बदले V max कितना होगा? तो F max equal to M V max square by R. But F max is what? Mu into N. तो इधर mu into N equal to M V max square by R. But what is N? N is mg. So M gets cancelled. So V max square is mu gr. So V max is root of mu gr. There you are. This formula. अब मेरे question सुन लो. अगर मैंने पूछा कि tell me the formula for maximum speed with which a vehicle can be moved along a curved leveled road, तो आपको आंसर देना है v max equal to root of mu gr. मैं बोलूंगा mu क्या है, तो आपको बोलने का coefficient of friction. g क्या है, acceleration due to gravity. r क्या है, radius of the road. alright, तो ये हमें बताना पड़ेगा आपको. okay, let me ask the question. question start with Alok Gupta. Alok. Yes, sir. What is the formula for centripetal force? So, mv square upon r. That's right. Lovely answer. Lovely. Bus chalega. Okay. Then I would like to ask, let us say, Conan Qureshi. Conan, come on the screen. Conan Qureshi, what is the form? Kidhar ho tum? Main yahi hu. Okay, mujhe batao. Batao, what is the formula for maximum speed with which vehicle can be driven along a curved leveled road? Root of mu gr. Where mu kya hai, beta? Constant. Where, what is mu? जीतू म्यू क्या है, म्यू जीतू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज राइट कोनन, यू शुड गिव द आंसर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. चलो बेटर आंसर बाय कोनन आल्सो, आई अप्रिशिएट कोनन, बहुत अच्छा आंसर है. चलो ये हो गई बात इस डेरिवेशन की. अपने नोट्स में से बराबर से अच्छे अच्छे डायग्राम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ अच्छे. अगला क्वेश्चन आ रहा है. What is banking of road? Why it is required? Very important question. Exam point of view, बहुत important question होगा. Okay, understand, banking of road, अबे ना सुन लो एक बात ध्यान से, banking of road does not mean कि bank अपना जो bank होती है पैसा जमा करने वाली या निकालने वाली, उस बैंक का इससे कुछ लेना देना नहीं है. ऑलराइट एक बात बताओ, इंग्लिश में एक मीनिंग है बैंकिंग का. जैसे आई वाज बैंकिंग ऑन द मार्क्स, मेरा खंडेलवाल क्लासेस इज बैंकिंग फॉर मार्क्स ऑन लेट अस से अफीफ, उष्णा, कोनन, इनके ऊपर डिपेंड करता है मुझे सपोज मार्क्स के लिए, तो आई एम बैंकिंग ऑन देम, वो है बैंकिंग ऑफ रोड जाने डिपेंडिंग. तो लेट अस अंडरस्टैंड बैंकिंग रोड क्या होता है. पहले हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग रोड के पहले व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन. मेरी बात ध्यान से सुना, आई एम गोइंग टू आस्क,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो भी पूछता हूँ. भाग्यश हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, व्हाट इज द मेन टाइटल? सर बैंकिंग ऑफ रोड. दैट इज राइट. Tell me one thing, when a vehicle moves along a curved road, it performs circular motion. छोटा भी कब आएगा तो उसके पॉइंट में सर्कुलर मोशन करता है. फोर्स सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड अपने व्हीकल को कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स? एनीवन? फ्रिक्शन. दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस एंड द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन. On friction has many disadvantages. इस friction पे depend करना बहुत खतरनाक. Because सबसे पहला खतरनाक value ये है कि force of friction has a limiting value. उसकी एक maximum value है. Maximum या limiting जो भी बोलना चाहो. देखो जिसके ऊपर हम लोग depend कर रहे हैं उसकी limit है, वही खतरनाक खराब है. Force of friction has a limiting value. What is the formula for limiting value? Therefore, जिस चीज पे हम लोग depend कर रहे हैं वो हमको मिलनी चाहिए, जितनी चाहिए होती है उतनी मिलती नहीं है. Because जो चीज चाहिए उसकी limiting value है. Force of friction has a limiting value. Therefore, if the speed of the car exceeds a certain limiting value, कितना? Root of mu gr. इसको अगर exceed करती है, तो force of friction may not be sufficient to provide the necessary centripetal force. And the car is likely to skid. सुनो ध्यान से एक बार फिर से. The dependence on friction has many disadvantages. Very first, force of friction जिसके ऊपर हम depend कर रहे हैं has a limiting value. इतना. Hence, if the speed of car exceeds this limiting value, force of friction may not be sufficient and the car is likely to skid. SKID. फिसलना. Number two. चलो लिमिटिंग वैल्यू भी होती है ना, चलो कॉन्स्टेंट है, चलो मानते कि लिमिटिंग वैल्यू उसकी 500 न्यूटन है, लेकिन वो 500 न्यूटन पे भी हमको भरोसा नहीं है. बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला भाई, फ्रिक्शन है ना हमको मिलता नहीं है पूरा, उसकी एक लिमिट है. और पॉइंट टू में बोलते हैं वो लिमिट भी फ्योर नहीं, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट. अगर सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा है कम? स्मूथ ऑफ स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा हुआ या कम? कम. दैट्स राइट, वेरी गुड हुसैन दागीना. और रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन बदलता रहेगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. Number two, number three, force of friction is not a reliable force. It is not a reliable force because its value decreases considerably. Value decreases considerably when the road is wet due to rain or due to fall of vehicle or fall of oil from moving vehicle. ये क्या होगा? एक dangerous बात ये है कि फ्रिक्शन एकदम हाईली अनरिलायबल फोर्स है जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं. बिकॉज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाती है अगर रोड वेट है ड्यू टू रेन और ड्यू टू फॉल ऑफ ऑयल फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स. अब मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ. हर रोज लेने से आलोक गुप्ता अपनी गाड़ी चलाते रहता है इस रोड से 100 किलोमीटर पर आवर. एकदम उसको पता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज 100 किलोमीटर. लेकिन एक दिन पड़ गई बारिश, या एक ट्रक वाला था आगे, उसने बहुत सारा सरदार जी ने बहुत सारा ऑयल गिरा दिया था उसपे. तो जब आलोक गुप्ता आपकी बार 100 किलोमीटर पर आवर पे गया तो वो ही गॉट स्किड, ऐसे करके अंदर गाड़ी डगमगाते हुए अंदर पहुंच गए और झाड़ियों में, इधर झाड़ियों में आलोक गुप्ता और वहां पे बहुत सारे सांप थे. यू कैन बिलीव दैट. क्यों? क्योंकि friction is not a reliable force because its value decreases considerably when the road is wet due to rain or due to fall of oil from moving vehicles. एक बार कोने नहीं मेरे पास,
कोनन आके बोलती है सर क्या प्रॉब्लम है आपका, मैं बोला देख ना रोड रफ नहीं है, रोड को रफ होना चाहिए, रोड को ज्यादा स्मूथ हुआ था अपने को फ्रिक्शन मिलता नहीं है। तो कोनन तो एकदम सिंपल आइडिया देखे गई जबरदस्त। कोनन ने क्या बोला मालूम है, कोनन ने बोला सर रोड को रफ कर दो ना, अंदर खड्डे वड्डे बना दो तो रोड रफ हो जाएगा, क्यों इतनी मारामारी करते हो आप, इतना क्यों चिंता करते हो, मेक द रोड रफ, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल हैपन, यस फ्रिक्शन बढ़ जाएगा बट व्हाट अदर प्रॉब्लम, एनीवन सर वेयर ऑफ टायर, दैट्स लवली आंसर, लवली आंसर, ज्यादा फ्रिक्शन होगा रोड ज्यादा रफ होगा तो वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स विल टेक प्लेस, जल्दी जल्दी टायर है ना घस जाएंगे। अब घसने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं टैक्सी में बैठा था तो टैक्सी ड्राइवर है ना एक दूसरे ड्राइवर को बोल रहा था ए भाई तेरा टायर चेंज कर, तेरे टायर टकले हो गए, टकले हो गए, मैं बोला ये क्या टकले हो गए, तो टकला मतलब जो रफनेस होती है ना टायर की वो जब घस जाती घस जाती घस जाती तो टायर प्लेन हो जाते, प्लेन हो जाते यानी टकले हो जाते। तो इसलिए है ना हम लोग खाली एक ही लाइन लिखेंगे, too much of friction produces wear and tear of tires, wear and tears of tires, all right। तो अब आखिर मेरे पास स्टूडेंट आके बोलने लगे सर फिर तो हम लोग फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, ये सब है चार चार लफड़े हैं तो, और ज्यादा रफ भी नहीं कर सकते तो करे तो क्या करे, तो क्या करे मालूम है, बैंकिंग ऑफ रोड करे। तो स्टूडेंट बोलते बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते, लेट अस अंडरस्टैंड क्या करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड में। सपोज ये रोड है, ये रोड है तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहाँ पे स्कीडिंग सर्कुलर मोशन का स्कीड के चांस होते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं हम लोग, सुनो ध्यान से, आई एम गोइंग टू आस्क द आउटर एज ऑफ द रोड, ये सपोज ये इनर एज ये आउटर एज, ये ए और ये सपोज बी, तो बी को रेस कर देते हैं यहाँ पे और बी वन कर देते हैं और ऐसे ज्वाइन करते हैं, मतलब रोड को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, कहाँ पे ओनली अंदर का हो, ऐसा रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते क्यों और क्यों, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। व्हेन अ रोड इज बैंक द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबाउट द इनर एज, outer edge of the road is raised above the inner edge and this is called banking of road. When a road is banked, the outer edge of the road is raised above the inner edge and this is called banking of road. And remember, when a road is banked, ye line dhyan se sunna, when a road is banked, the necessary centripetal force is provided by horizontal component of normal reaction. ये जरा लाइन अभी खाली ध्यान से सुन लो, मैं बाद में अगले लेक्चर में क्लियर, अगले क्वेश्चन में क्लियर, horizontal component of normal reaction in addition to friction the necessary centripetal force is provided by horizontal component of normal reaction and we do not have to depend only on the unreliable force of friction. अब आप बोलेंगे सर फिर भी हमको समझ में आया रोड टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है रोड टेढ़ा मेढ़ा से क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट है। एक्चुअली जब मैं क्लासेस में था तो एक छोटी सी खिलौने वाली कार थी, ये अज्यूम कर लो कि ये कार है, नीचे टायर है इसके एक दो तीन चार और कैसे जाती है, जब रोड प्लेन था तो प्लेन था यानी लेवल्ड रोड था, सुनो ध्यान से अभी वर्ड समझो, जब ए बी वाली पोजीशन थी, ए बी यानी समतल पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसा टिल्ट नहीं किया उसको बोलते हैं लेवल्ड रोड, उधर था वीमैक्स रूट ऑफ म्यूजियल और जब इसको उठा देते हैं तो इसको बोलते हैं बैंक रोड, जब लेवल्ड रोड था तो गाड़ी स्पीड हो जाती है कैसे चली जाती है। अब बैंक रोड देखो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको ये बुक से समझाता हूँ, ये सपोज रोड है यहाँ पे लेवल रोड था ना तो ऐसे गाड़ी स्पीड एकदम आराम से स्पीड हो जाती थी, लेकिन अगर बैंक करूंगा ऐसे तो बैंक करते करते डोंट थिंक इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीड, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ऐसा तो इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीड नाउ, इट
will not be possible for the car to skid so easily. So there is a difference between leveled road and banked road. एक बार फिर से पूरा डिस्क्रिप्शन बता दूं। आई एम गोइंग टू आस्क इन बिटवीन, इमीडिएटली अनम्यूट करो और मुझे आंसर देना चालू करो। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इज व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। हमने बोला मैंने व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व रोड, इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, इट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय व्हिच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना मुझे रितिक प्रसाद बोल। यस सर। बोल इतना। अ रोड इज ऑन सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी एब्सोल्युटली नेसेसरी। कुछ भी बोल रही है ऐसा बोलो, व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, द नेसेसरी सेंट्रीपेटल provided by the force of friction. इतना बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो। हम कहते हैं तो बोलो लोडिंग हो गया। अभी बट नहीं है। ओके, इसको अभी कौन देगा प्रॉपर आंसर? मुझे ये बोल तो जरा, क्या नाम है उसका? उष्णा शेख, इतना बोल। When vehicle is moving along a road, it moves in circular. या बोलो, वेरी गुड उष्णा, वंडरफुल आंसर। क्या बोला क्या तुमने, वापस बोलो एक बार। When a vehicle is moving along a curved road, it moves in circular motion. And the necessary centripetal force is provided by whom? Friction. Is provided by the force of, ये क्या है? Friction. बस इतना बोलना है। तो dependence on friction has many disadvantages. अभी पूछने वाला हूँ मैं, ये दो बोलूंगा वो पूछूंगा, फिर अगले दो बोलूंगा वो पूछूंगा। Force of friction has a limiting value. Hence, if the speed of car exceeds the certain limiting value, force of friction may not be sufficient and hence the car is likely to skid. अपने ओन वर्ड्स में बोलना है तो ऐसे, सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, देयरफॉर यू नो अगर स्पीड व्हीकल की ज्यादा चली जाए तो लिमिटिंग वैल्यू मिल नहीं पाती एंड कार इज लाइकली टू स्किड हो जाएगी गाड़ी। इतना बोलो, विल बी टोल्ड टू मी बाय लेट्स से हुसैन गांधी ना। यस सर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज अ लिमिटिंग वैल्यू सर, इफ द स्पीड गोज अबाउट द लिमिटिंग वैल्यू that is right. And number two, force of friction depends on nature of surfaces. Hence, its limiting value cannot remain constant. Bhargesh, itna bol. Yes, sir. Sir, the force of friction depends upon the nature of surfaces of I'm going to ask, force of friction is not a reliable force because its value decreases considerably when the road is wet due to rain or it will fall off while from moving vehicle. जब गीला गीला होता है तो ये तो फिर अमूर्त जा बोल अने आस्का 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 शेख आवाज गुड Too much of friction reduces wear and tear of tires. ज़्यादा friction होगा तो wear and tear of tires भी हो जाएंगे. All right. इसका answer मुझे देंगे Conan. Conan बोल. Conan Qureshi. Yes sir. Sir, can you repeat the question please? क्या repeat? I don't like. Too much of friction causes wear and tear of tires. तो फिर?
तुम्हारे पास बुक है, तैयार है, सब देख के बोलो ना, चलेगा मेरे को, मुझे लगेगा तुम क्लास में हो बस. ओके एंड देन hence in order to make the turning safer on the curve, the outer edge of the road is raised above the inner edge. This is called banking of road. When a road is banked, the necessary centripetal force is provided by horizontal component of normal reaction, and we do not have to depend only on unreliable force of friction. Of angle of banking kya hota hai? Angle which the inclined surface of the road makes with the horizontal is called angle of banking. Here. ये कौन सा रोड था? ये लेवल्ड रोड था, लेवल्ड. और ये कौन सा रोड है बताओ, इसके ऊपर क्या लिखूं? एनीवन? सर बैंक रोड. बैंक रोड. अफीफ कुरैशी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर. सर अफीफ सैयद. अफीफ सैयद, यस अफीफ. क्या पता मैं क्यों बोलता हूँ. ओके लेवल्ड रोड एंड दिस इज बैंक रोड. तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंक और derive an expression for maximum speed with which vehicle can be driven along a banked road. Along a banked road. Let us understand. ओके ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होगा मैक्सिमम स्पीड और एक होगा मिनिमम स्पीड. मिनिमम स्पीड नोट्स में दिया नहीं है, दैट आई विल गिव यू सेपरेट नोट्स. तो सुनो ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो. देखो ये लेवल रोड, ये लेवल रोड, ये बैंक रोड. एंगल ऑफ बैंक की इसके ऊपर एक है व्हीकल, यह है व्हीकल, ऑल राइट. अगेन यू आर सीइंग व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड, सो दीज आर द टायर्स, दीज आर द टायर्स. सो दिस इज the situation. This is the situation. The force is acting on the vehicle. Number one, its own weight mg. मैं blue में बना था forces. Its own weight mg acting vertically downwards. And second is normal reaction n. क्योंकि surface ऐसे ही ना, तो normal ऐसा होगा. ये ध्यान रखना. तो normal reaction n. इसका एरो ऐसे होता है. ओके नाउ वी रिजॉल्व एन इनटू इट्स कंपोनेंट. ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा. इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एन साइन थीटा. और ये है सेंटर ऑफ द रोड और ये रेडियस ऑफ द रोड. इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स एंड दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच विल बी एक्टिंग इनवर्ड. क्योंकि गाड़ी स्किड वहां पे हो रही है ना, तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द मोशन. तो दिस इज दैट. सो दिस विल बिकम अल्टरनेट एंगल, दिस विल बी थीटा. सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड दिस विल बी F sin theta. ये डायग्राम खत्म, ये डायग्राम खत्म. इसमें फोर्सेस, एरोज, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये क्या होगा, दिस इज लेवल रोड एंड दिस इज बैंक रोड. ये एम ए जीरो वन इधर ऐसा लिखा रहता है. अगेन गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं, इसलिए टायर्स विल नॉट बी सर्कुलर. ये हो गई सिचुएशन डायग्राम की. डायग्राम, ये वाला डायग्राम सब लोग पांच पांच बार ड्रॉ करेंगे और मेरे को भेजेंगे पर्सनल पे. ये डायग्राम पांच बार ड्रॉ करना है सभी को. दिस आई हैव गिवन यू द नोट्स में है ये डायग्राम. ओके
तो हमको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, ये फॉर्मूला, या एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, इसका आंसर निकाल के दुनिया को दिखाना है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m, ये व्हीकल है मास m मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी vp एंड सम पर्टिकुलर वेलोसिटी अलोंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r, ऑलराइट, अलोंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r, ऑलराइट, लेट mu बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, नंबर 1, Anybody can tell me from the diagram, सबसे पहला वेट कौन सा होगा इसके ऊपर? पहला फोर्स, अरे आंसर ही नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल? द वेट ऑफ द व्हीकल, दैट इज लाइक फर्स्ट विल बी वेट mg ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेकंड विल बी नॉर्मल डायरेक्शन n परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ab है, लेट्स से दिस इज ab एंड लेट्स से दिस इज ab1, और मैंने नोट्स में शायद इसको ab बोला, इसको ab1 perpendicular to surface AB. And number 3, anybody can tell me number 3 kaun sa force hai, which you can see from the diagram? Third force kaun sa hai? Cos theta. Nahi, third is force of friction. Force of friction F. Sabse pehle hum log n ko resolve karte hain into its component. N cos theta along vertical. Along vertical and n sin theta along horizontal and n sin theta along horizontal, n cos theta vertical, n sin theta horizontal, or friction F ke do component banate hain, F cos theta along horizontal and F sin theta along vertical, dekho F cos theta horizontal, F sin theta vertical, n cos theta vertical, n sin theta horizontal, towards angle cos, away from angle sin, वो simple concept आपको ध्यान में रखना है। Now, in equilibrium along y-axis, in equilibrium along y-axis, what I'll write, anybody? Y-axis पे upward force equal to downward force, क्या लिखूंगा बताओ? Which force equal to what plus what? Who will tell me? Bolo. Sir, normal reaction force is equals to the weight of the vehicle plus friction. Ah, lekin kya likhu? What equal to what plus what? N cos theta vertically upward. Or mg plus f sin theta downward. वर्टिकली अपवर्ड फोर्स प्लस इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, y एक्सिस ऐसा होता है ना, y एक्सिस पे देखो इधर ऊपर ही है और ये नीचे, ये दो है तो ऊपर इक्वल टू नीचे, और देयरफॉर m cos थीटा, हमारे पास समय बहुत कम है।